ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। शासन के निर्देश अनुसार रविवार को एक बार पुनः जनपद के सभी 36 स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अजय अग्रवाल के साथ तहसील जलेसर क्षेत्र के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शकरौली पहुंचकर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आरोग्य मेले में आए लोगों से वार्ता कर उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। डीएम ने इस दौरान मौजूद स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों को निर्देश दिए कि आरोग्य मेले में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। आरोग्य मेले में 200 से अधिक मरीजों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। डीएम ने मौजूद आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि घर घर जाकर आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों को एकत्रित कर उनके आरोग्य मेले में VLE के माध्यम से गोल्डन कार्ड बनवाएं। इसके साथ ही कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए विशेष एहतियात बरता जाए। इसके लिए आवश्यक है कि साफ सफाई पर पुरजोर ध्यान दिया जाए, अपने हाथों को दिन में कई बार साबुन से धोएं, साथ ही एक दूसरे को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करें। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लें, जिससे कि समय रहते हुए उसकी उचित कार्यवाही स्वास्थ्य के प्रति की जा सके। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अजय अग्रवाल, MOIC, CDPO सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य चिकित्सक व कर्मचारीगण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। सेंटर के रूप में PHC बना सर, आज जलेसर क्षेत्र के सकरौली न्यू PHC पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है, क्या व्यवस्थाएं की गई है? आरोग्य मेले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी आए हुए हैं, डिप्टी CMO भी आए हुए हैं, यहाँ के PHC के डॉक्टर भी हैं, सारे हमारी जो है ANM हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं, सारे लोग आए हैं और एक गोल्डन कार्ड बनाने के लिए BLE भी आए हैं और बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। आज अभी तक लगभग 200 मरीजों का इलाज हो चुका है और अभी भीड़ लगी हुई है, लोग और आ रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। और लोगों से अनुरोध किया गया है कि इस मेले का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएँ और अधिक से अधिक अपने परिवार को ले आकर यहाँ से चेकअप कराएं। सारी सुविधाएं फ्री में यहाँ पे मिल रही हैं, दवा भी फ्री मिल रही है, चेकअप भी फ्री में हो रहा है, तो इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ उठाना चाहिए। सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारे देश, हमारे प्रदेश के सभी लोग स्वस्थ रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन स्वास्थ्य मेलों का पूरी तरह से लाभ उठाया जाए और इसका पूरा प्रचार प्रसार करने के लिए हमने सभी से अनुरोध भी कर लिया है और सारे लोग मतलब जागरूक हो चुके हैं आरोग्य मेले के बारे में और अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं लोग, अपनी जाँचें करा रहे हैं और दवाइयाँ ले रहे हैं। और इससे, इस मेले से बहुत ही लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो दूर दूर जाते थे इलाज कराने के लिए या झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते थे, अब उसे इनको छुटकारा मिल रहा है और बैठे बैठाए उनके घर पे डॉक्टर आ जा रहे हैं और उनके दूरी, उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा है और झोला डॉक्टरों से बच रहे हैं और अब जो निःशुल्क इलाज हो रहा था, इससे पैसे की भी बचत हो रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।